私は WHO 汎染病制圧大使を務めている日本財団の笹川洋平と申します。2022年の世界ハンセン病の日に際し、私からメッセージを伝えさせていただきたいと思います。皆さん、ハンセン病は治る病気ですよ。また薬も世界中どこでも無料で手に入ります。そしてハンセン病の患者回復者、その家族に対する差別はしてはいけないということが2010年の国連総会で決められております。ハンセン病はですね、神様の罰であるとか、あるいは遺伝する病気だと思っていらっしゃる方々が今もたくさんいらっしゃるんです。しかしこれは全て間違いでね、非常に感染力の弱い病気なんです。現在は新型コロナウイルスが世界的にパンデミックになっておりますので、このハンセン病の制圧活動というのが少し遅れているんです。コロナのパンデミックのために探しに行けないということもありますし、また生活手段を奪われてしまいましてね、生活ができないという大変気の毒な状況になっているんです。私はこのようなコロナがパンデミックでもあっても、このハンセン病の問題をね、今こそ解決しなければいけないと思い、 Don't forget leprosy はハンセンスディジーズということでキャンペーンを続けております。皆様方にはこのキャンペーンに協力していただくことを心から願っております。インドは世界で最もハンセン病の新しい患者さんが多い国ですが、しかしモディ首相は2030年にはレプロシーをゼロにしようという政治的な決断をされ、皆さんもご承知のように発言されていらっしゃいます。皆さんが尊敬するマハトマ・ガンジーさんがハンセン病について大変な努力をされたことは皆さんご承知ですよね。皆さんが尊敬するガンジーさんの意思をついて、インドからハンセン病をなくすために協力してください。たとえ一人一人の声が小さくても、連帯することによって大きな流れを作り出すことが可能でございます。ハンセン病は世界中の多くの人々の努力により、この半世紀で解決までもう一歩のところまで来ましたけども、ですから科学技術が進歩し、多くの皆さんが正しい知識を持てるようになった今こそ、このハンセン病をなくする最大のチャンスだと私たちは思っております。皆様方のご協力を心からお願いいたします。नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पाटीदार और आप देख रहे हैं मेरे साथ SW24 पर वर्ल्ड लेप्रेसी डे के उपलक्ष में एक छोटी सी परिचर्चा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग बड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जहां हम लेप्रेसी का नाम सुनते हैं वहां हमारे दिमाग में कई प्रकार के मिथ और स्टिग्मा आ जाते हैं। ये कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, क्या इन मिथ्याओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए या ये मिथ्याओं को यहीं छोड़ देना चाहिए, इसी परिचर्चा को लेके आज हमारे बीच में मौजूद हैं अनीता जी, डीएलओ सर चंद्रजीत
सावले साहब, राहुल आर्य और सारंग गायधने जी। अब मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि क्या कुष्ठ रोग साध्य है। पर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम लोग शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ ये लोग बड़े हुए हैं। मैं अनीता जी से पूछना चाहूँगा कि अनीता जी क्या सोचती हैं और किस तरह से लोग जो ये दूरियाँ बना लेते हैं या ये लोग आइसोलेट कर देते हैं, ये सही है या आपने कहाँ तक उस चीज़ को देखा है? नमस्ते सर, मेरा नाम अनीता भावरे, माँ सरस्वती कुष्ठ आश्रम भगत सिंह नगर बाणगंगा इंदौर से हूँ मैं। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को सभी को है और मुझे नहीं है, और ना मेरे बच्चों को है ना मेरे हस्बैंड को है। और ये प्रथा कई सालों से चलती आ रही कि कुष्ठ रोग छुआछूत का है, पर ये बिल्कुल नहीं है। ये बस सीमित वहीं तक है जिसको है वहाँ। और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है हर चीज़ में, स्कूल में, काम में। इससे सासा कावा लेप्रेसी फाउंडेशन से कुछ सहायता मिली मुझे और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। कॉलोनी कॉलोनी पोलोथीनों में कपड़े ले जाकर मैंने मार्केटिंग करी है और आज मैं खुद सक्षम अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और लेप्रेसी एक दूसरे से नहीं फैलता है। आगे हमारे साथ और साथ में मौजूद हैं सारंग गायधने जी। मैं चाहूँगा कि सारंग गायधने जी खुद बताएं कि लेप्रेसी क्या है और इस चीज़ से ये कैसे बाहर आते हैं। जी, मेरा नाम सारंग गायधने जी है और मैं एसोसिएशन ऑफ पीपल, जो राष्ट्रीय हमारी संस्था है, उसका सेक्रेटरी हूँ। प्लस इंदौर स्टेट कमेटी जो हमारी बनी है संयुक्त कुष्ठ निवारण संघ की, जो लेप्रेसी के लिए काम करती है पूरे मध्य प्रदेश में, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। लेप्रेसी ये तो सालों से हमारे देश में है, लेकिन हमारी जो संगठन है येपाल, ये पूरे देश में कार्य करती है कुष्ठ रोगियों के उद्यान और विकास के लिए, उनके रोजगार और पुनर्वास के लिए कार्य करती है, जो कि सासाकावा इंटर लेप्रेसी फाउंडेशन को मिलकर कार्य करती है। आज मैं इस पोजीशन में हम आए कि जो येपाल जो हमने संस्था जो बनानी पड़ी, कि हमारे देश में ज़्यादा करके छुआछूत की बीमारी है और ज़्यादा करके लोग हमारे से भेदभाव करते हैं और बहुत सारी एजेंसियाँ निकली है जो कि इसके ऊपर काम करती है। लेकिन जमीन स्तर में पहुँचने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी बनी येपाल, उस पर जितने भी कर्मचारी है, जो सीओ से लेकर बोर्ड कमेटी तक, वो हमारे लेप्रेसी भाई बने हैं, जो कि हमारे पूरे देश के भाइयों के हित के लिए और विकास के लिए कार्य करती है। मैं साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि आज समय निकाला डीएलओ साहब ने। सावले साहब से मैं खुद जानना चाहूँगा कि सर, ये जो लेप्रेसी पे काम चल रहा है, ये किस हद तक चल रहा है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो लेप्रेसी पे अभी हम लोग हर ज़िले में कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार। आज कुष्ठ निवारण दिवस पर जो परिचर्चा रखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया जी। फिर आगे जाकर उस कार्यक्रम का नाम नेशनल लेप्रोसी रिडिगेशन प्रोग्राम हो गया। एक्चुअली में क्या था, कुछ वर्षों पहले, 50-60 साल पहले, मतलब 1955, लेप्रोसी का ट्रीटमेंट नहीं था, तो स्वाभाविक है कि जिस बीमारी का इलाज नहीं होगा तो वो तो आगे बढ़ेगी, चाहे वो कोई सी, चाहे मलेरिया हो, अगर मलेरिया से भी मौतें होती जी। तो लेप्रोसी का जब ट्रीटमेंट नहीं था, तो एक बार जैसे लेप्रोसी हुई तो वो बीमारी आगे बढ़ती थी और उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखकर, और एक अनजाना भय था लोगों में कि भाई अगर ये ठीक नहीं हो रहे तो हम भी अफेक्ट नहीं हो जाएं। Exactly. तो वो दुर्व्यवहार या भेदभाव होता था। लेकिन जब से डेप्सोन ड्रग आई, फिर मल्टी बेसिलरी के हिसाब से एमडीटी ड्रग्स आई, मतलब एक से अधिक दवाइयाँ, आज की तारीख में काफ़ी दवाइयाँ हैं और मुख्य रूप से जो है डेप्सोन, रेफामपिसिन, क्लोफाजिमिन, ये जब इकट्ठी ड्रग्स से चलने लगी तो आप देख रहे हैं कि अब उस तरह का नज़ारा नहीं है जो किसी ज़माने में। एक बार जैसे लेप्रोसी होती थी
और लेप्रोसी या कुष्ठ से अफेक्टेड पीपल आपको उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, अब वो नज़ारा नहीं नहीं के बराबर हो गया है। और इसका लेप्रोसी से जो भय है वो जो विकृति आ जाती है, विकृति भी किनको आती है, जिन्होंने बहुत लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जी, तो अब वो भी काफ़ी कम हो गई है। भारत में जो पहले नज़ारा था या जो पहले सीन देखने को मिलता था तो वो बहुत कम हो गया है। लेकिन एक चिंता का विषय अभी भी ये है कि विश्व में लेप्रोसी के केसेस या लेप्रोसी से प्रभावित या बर्डन भारत का सबसे ज़्यादा है। तो हमारे लिए वो आज भी वो चैलेंज है कि हम कई देशों से लेप्रोसी समाप्त हो चुकी है जी। रही बात इस बीमारी से, इसके साथ भ्रांतियाँ काफ़ी जुड़ गई, मतलब समस्या ये हुई है कि कहीं पर बोल देते हैं भाई ये पूर्व जन्म का पाप है, है ना, इसने कुछ काम किया ऐसा। जबकि आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, हेंसन्स जो वैज्ञानिक थे, इसको हेंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इसका बैक्टीरिया देखा जी, अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप में देखा। अभी भी हम जैसे टीवी की स्लाइड बनाते हैं जी, तो टीवी के बैक्टीरिया की तरह ही लेप्रोसी का भी है, आपको उनके नाम से भी महसूस होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलोसिस टीबी का बैक्टीरिया होता है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री वो लेप्रोसी का बैक्टीरिया होता है। दोनों एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं और साइंस ने देख लिया अपनी आँखों से कि ये जीवाणु है जी। लेकिन लेप्रोसी का जो जीवाणु है बहुत सुस्त है और बहुत स्लो, बहुत 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 स्लो फैल, जैसे हमारी बहन जी ने बोला जी, है ना, कि परिवार में बाकी लोगों को थी लेकिन मेरे को नहीं हुई जी, जी, मतलब बहुत कमजोर बैक्टीरिया है, है ना, ये एकदम से ऐसा नहीं। आपने अभी कोविड के समय देखा, ये मास्क मैंने कोविड की वजह से लगा रखा है ना, ताकि ये मैसेज जाए कि मास्क को रखना है ना, लेप्रोसी की वजह से नहीं। तो लेप्रोसी का बड़ा मतलब बहुत कम संक्रामक होता है, बहुत कमजोर होता है, नहीं तो कोविड में आपने देखा कि एक बार आप संपर्क में आ जाए इतने में तो कोविड पॉजिटिव हो जाता है आदमी। इसका ऐसा नहीं, वर्षों तक साथ में रहने के बावजूद भी परिवार के लोगों को कई बार नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा, ये जो आपका सबसे सर्वप्रथम क्वेश्चन था कि ये रोग साध्य है क्या, हाँ साध्य है कि, तो ये 100% साध्य है। देखिए, हम तो एक बार एक कोई बोल रहा था, जैसे कोई डायबिटीज से प्रभावित है कि यार मेरे को डायबिटीज की बजाय लेप्रोसी हो जाती तो ठीक तो हो जाती, हाँ, है ना, डायबिटीज तो भाई लॉन्ग लाइफ डिसीज है ना, डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है ना, लेकिन लेप्रोसी में 100% ठीक हो जाता है। और अब इसकी इतनी अच्छी कारगर दवाइयाँ हैं कि उसके रिजल्ट हमको देखने को आ रहे हैं। और जो भय है लोगों का, तो अगर जैसे वो बात मैंने कही, आप अगर देर से इलाज शुरू करेंगे या ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कोई सी भी बीमारी अपना साइड इफेक्ट तो दिखाएगी जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही जो बात हुई थी कि इसके बारे में जो मिथक हैं कि भाई ये इस कारण से उस कारण से, तो किसी कारण से नहीं हुई, ये सिर्फ जैसे आम बीमारियां हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके शरीर में जीवाणु नहीं गए हों, टीबी के नहीं गए हों, लेप्रोसी के नहीं गए हों, या अन्य इन्फेक्शन होते वायरल, सर्दी जुकाम और जो होता है भाई। आप है ना बस में जा रहे हैं, जब भीड़ में तब आप सोचते हो क्या यार पास वाले को टीपी है, फिल्म की टिकट लेने के लिए लगे हो, रिजर्व है ना, जब तो कुछ नहीं है, तो जाते हैं विषाणु बैक्टीरिया, लेकिन आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर भी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, नहीं तो ऐसे तो क्या है कि भाई वातावरण में समस्त प्रकार के इन्फेक्शन घूम रहे, आप हॉस्पिटल जाते हो कितने सारे वहाँ पे रोगाणु होते हैं, सही, तो क्या आप हॉस्पिटल किसी को देखने जाते हो तो बीमार होकर आ जाते हो। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसी तरह इसके लिए भी है। बस इसमें चिंता का ये विषय है कि इसका जो बैक्टीरिया बहुत स्लो है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब शरीर में जाने के बाद में वो 6 माह से लेकर 40 वर्ष तक भी वो सुसुप्त अवस्था में रह सकता है, उसके बाद भी एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, तो ये हर जीवाणु बेटा और रोगाणु का इस तरह से वो नेचर होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए ये तो आप सब जानते हैं कि भाई आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपकी दिनचर्या, आपका खान पान, ये सब अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसको, इस रोग को ऐसा किसी खतरनाक उससे या रहस्यमय बीमारी के रूप में प्रचारित करना गलत है।
और समय समय पे जैसे हमारे साथी बैठे हैं, बहन जी ने बताया, भाई साहब ने बताया कि भाई ये लोग लड़कर इस बीमारी से इन्होंने विजय प्राप्त करी है जी। और आज का दिन हमारा यही होता है, गांधी जी के जो पुण्यतिथि है आज शहीद दिवस है, तो इस पे कुष्ठ निवारण दिवस मनाने का एक कारण ये भी है, गांधी जी ने उस जमाने में जी जब भी कुष्ठ प्रभावित जो होते थे अपने साथ अपने आश्रम में रखते थे, अपने हाथों से उनके घावों की ड्रेसिंग करते थे, वो जब डांडी यात्रा पे गए तो एक कुष्ठ प्रभावित उनके साथ चलता था, उनको जब भी समय होता था उसकी उनकी ड्रेसिंग करते थे वो, और वो साथ में रख कर उन्होंने ये समाज को संदेश दिया कि इस रोग से डरने की घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है जब था। तो आज तो इस जमाने में हमने देखा कि भाई तरह तरह के वैक्सीन आ गए हैं जी, कुष्ठ का भी वैक्सीन तैयार हो रहा है ना, जो टीबी के लिए BCG का टीका लगता है बच्चों जी, को जी, जी, जी। उसका भी इफेक्ट है लेप्रोसी से बचाने में, है ना, जो भाई वो आपको मैंने शुरुआत में बात करी हमने कि लेप्रोसी का और टीबी का जीवाणु लगभग एक जैसा, एक ही जाति का एक कजिन ब्रदर है समझ लो, तो जो टीबी का जीवाणु है और उसके लिए जो BCG का टीका लगता है उससे लेप्रोसी से भी बचाव होता है, ये स्टडी प्रूव स्टडी है, उस वजह से भी कम हुई दवाइयाँ हैं। तो अब तो ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि कुष्ठ रोग साध्य है या नहीं है, मतलब साध्य है, पूर्णता अच्छा हो जाता है। चलिए धन्यवाद सर, एक विस्तृत आपने जानकारी दी इस चीज़ के लिए, और दूसरा आपने ये बताया कि ये एक केवल वायरस है, ये ना तो कोई जीवाणु है, ना कोई पुनर्जन्म जैसा है, ना कुछ है, कुल मिला के अगर हम देखें सामान्य सी भाषा में, अगर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं बात करूं और सामान्य व्यक्ति की तरह समझने की कोशिश करूं, तो ये ऐसा जीवाणु है जो सुप्तावस्था में रहता है और जो पूरी तरह से क्यूरेबल है, जो पूरी तरह से क्लीन किया जा सकता है, जिसका पूरी तरह से इलाज है। लेकिन मैं पुनः आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आज भी समाज में भ्रांतियाँ तो कई तरह की फैली है, जब आप जाते होंगे तो कहीं ना कहीं कोई भ्रांतियाँ सामने तो आती ही होगी, तो उन भ्रांतियों से निपटने के लिए या उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए क्या कोई कदम उठा रही है सरकार भी, या कोई हमारे ऐसे सोशल सर्विस वाले हैं जो कुछ कदम उठा रहे हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं? सारंग जी आप भी बहुत सारा काम करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम अभी एपाल के मार्फत हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं स्कूल में, कॉलेजों में, मिलिट्री कैंप में तक हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं सासाको हेल्थ फाउंडेशन के मार्फत, तो ऐसे हम जन जागृति फैला रहे हैं कि ताकि समाज में जो भ्रांतियाँ है वो दूर हो जाए और लोग आ रहे, जो पहले लोग अपने घर में इस बीमारी को छुपाते थे अभी स्वयं अस्पताल में जाके इसका इलाज कर रहे, ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है कि लोग अभी आ रहे आगे। और ये कोरोना के बाद तो अभी ज़्यादा करके लोग कोरोना के जैसी बीमारी इतना आई है ना, कभी जीवन में कभी आएगी ना, कभी आना चाहिए, आना चाहिए, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि भाई लेप्रोसी की वजह से लोग दूर भागते थे, अभी ये कोरोना के बाद ये हो गया कि नहीं, ये बीमारी एक अच्छी है, कोरोना से तो अच्छी है, तो अभी लोग घर के बाहर कर रहे हैं और अपना वो कर रहे, इसलिए हमको आदिवासी क्षेत्र में हम ज़्यादा करके कैंपेन करते हैं पेपर बांट के या मीडिया में ये करके, और ये आज का जो प्रोग्राम है इसी का एक उदाहरण है कि हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि कुष्ठ रोग ये कोई श्राप अभिशाप की बीमारी नहीं है, एक साधारण बीमारी हो रही है, 6 महीने की ट्रीटमेंट के अंदर ये अच्छी हो सकती है और समाज में लोग आदमी मुख्य धारा में आ सकता है और अपना सामान्य जीवन जी सकता है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व ये कहें या एक बालक है, राहुल। राहुल आपसे मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि क्या है आपकी फैमिली स्टोरी। मेरा नाम राहुल आर्य है, मैं से हर्षनगर सेंधवा से बिलोंग करता हूँ। ये लेप्रेसी बीमारी मेरी दादी को थी, पर मेरे मम्मी पापा हैं उसको है ही नहीं, और मेरे 5 भाई है, मेरे 5 भाई को भी एक ही को भी नहीं है ये बीमारी। सिर्फ ये लोगों का वहम है कि ये एक छूने से या टच करने से बीमारी हो जाती है, पर ये लोगों का वहम है। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ कि ये बीमारी है, तो स्कूल क्या होता था आपके साथ जब आप स्कूल में पढ़ते थे? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं मेरे गांव से स्कूल निकलता था तो मेरे को लोग बोलते थे कि ये गांव का है, ये लेप्रेसी है, इसको छूएंगे तो बीमार हो जाएंगे, पर ऐसी कोई कुछ नहीं है। अब मैं 26 साल का हो गया, मेरे को अभी तक ये बीमारी हुई नहीं, ना मेरे 5 भाई को ये बीमारी है। बस सिर्फ मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ
कि ये सिर्फ लोगों का वहम है और कुछ नहीं। अगर हम छोटी सी और सरल भाषा में समझें तो ना तो ये वंशानुगत बीमारी है ना छुआछूत से फैलती है, फिर हम इससे इतना डरते क्यों हैं? क्यों हम आइसोलेट कर देते हैं, क्यों हम एक तरफ कर देते हैं उन व्यक्तियों को जो लेप्रेसी से पीड़ित हैं? हमें आगे आना चाहिए, आगे आने के बाद उन्हें साथ देना चाहिए और वापस से वो भी हमारे भाई हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। इसके लिए प्रयास और प्रयत्न चल रहे हैं। क्या प्रयास और क्या प्रयत्न चल रहे हैं, मैं कंक्लूडिंग पार्ट में डॉक्टर सावले से कहूँगा कि वो इस पर प्रकाश डालें और बताएं कि क्या प्रयास किस तरह से चल रहे हैं ताकि हम सभी भाइयों को मुख्य धारा में जोड़ लें। सर्वप्रथम तो मैं उपचार से प्रारंभ करूँगा, है ना। गवर्नमेंट की ओर से लेप्रोसी या कुष्ठ का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। मतलब इतना अच्छा सिस्टम बन गया है कि लेप्रोसी डायग्नोस होते ही उसका आशा कार्यकर्ता, अगर जैसे हमारी है या कोई सामाजिक कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता अगर वो नया केस लेकर आते हैं, डायग्नोस होता है और उनका पंजीयन किया जाता है और उनको दो प्रकार से इसका उपचार होता है, पासी बेसिलरी एंड मल्टी बेसिलरी, मतलब 6 माह का और 1 वर्ष का। तो कुछ मानदेय जो है नया केस खोजने पर आशा कार्यकर्ता को भी 250 रुपये मिलता है और जो कुष्ठ प्रभावित हैं उनको निःशुल्क दवाई मिलती है। हर माह आशा कार्यकर्ता उनको घर पहुंच सेवा देती है। तो निःशुल्क उपचार गवर्नमेंट की ओर दिया की ओर से दिया जा रहा है। दूसरा, इस रोग के प्रचार प्रसार लक्षणों के बारे में बताने के लिए कि रोग के लक्षण क्या होते हैं, आईसी होती है, आईसी में पेम्पलेट, पर्चे, कार्यशाला और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग निरंतर हो रही है। ट्रेनिंग देने उस दौरान ट्रेन कर दिया जाता है ताकि वो लक्षण तुरंत, आशाओं की नियमित ट्रेनिंग लेते हैं हम। ट्रेनिंग के अलावा जो उनको इंसेंटिव मिल रहा है, प्रोत्साहन राशि, वो भी कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करने के लिए देते हैं। तो आईसी के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से और कई ऐसे वो हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट की ओर से इसके लिए जैसे एनजीओ हैं, एनजीओ के साथ मिलकर भी कार्य कर रहे हैं। खरगोन जो हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारे लिए, मैं आपकी जानकारी में प्रश्न एक बहुत अच्छी बात लाना चाहता हूँ कि लेप्रोसी में अगर देर से इलाज लिया तो विकृति हो गई, डिसेबिलिटी आ जाती है, तो डिसेबिलिटी सर्जरी से दूर हो जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक सनावत में सेंटर है, लेप्रोसी, संत जोसेफ लेप्रोसी सेंटर, वहाँ पर ऑपरेशन होता है इसका। इसके पहले वहाँ बिहार से या और हैदराबाद से, बाहर से सर्जन आते थे। हमारे यहाँ खरगोन जिले में ही जिला चिकित्सालय के सर्जन हैं, एक डॉक्टर लक्ष्मण आर्य, आज किसी कारणवश आ नहीं सके। आर्य साहब भी इलाहाबाद के पास एक नैनी सेंटर गए, 1 महीने तक उन्होंने इसका प्रशिक्षण लिया ऑपरेशन करने का, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो। उन्होंने लेप्रोसी से आई विकृति को दूर करने का प्रशिक्षण लेकर खरगोन जिले के सनावत में ऑपरेशन करना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे पास अब सर्जन भी है। दूसरा, कभी कभी इसमें अल्सर भी होता है, अल्सर जिला अस्पताल में भी ट्रीटमेंट हो जाता है, सनावत में हम एडमिट कर कर भी करते हैं। अल्सर कोई सा भी हो, जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा पेशेंट को तब तक ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं होगा। आप कितने अच्छा उसको कर लो, लेकिन अगर पैर में घाव है और पैदल चल रहा है व्यक्ति, पद रक्षक होते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार के सैंडल भी होते हैं जी, वो भी गवर्नमेंट देती है और कई तरह की ऐसी सुविधा हैं और मुख्य धारा में लाने का सरकार की तरफ से पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है और उसकी अपेक्षित सफलता भी मिल रही है हमको। हमारे देश में कई बड़े एनजीओ भी हैं जो लेप्रोसी का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब उपचार ट्रीटमेंट के अलावा उनको रोजगार भी प्रदान करते हैं, सरकार का भी प्रयास है पूरा। तो कई ऐसे साधन हैं कि अब लेप्रोसी को बहुत कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन अब ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये जो समय है लास्ट वार अगेंस्ट लेप्रोसी, लेप्रोसी के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी है, उसमें अगर हमको सभी का सहयोग मिलता है आप लोगों का। देखिए, जो मिथक चले आते हैं ना वो पीढ़ियों से ऐसे चलते रहते हैं, है ना, आपको पता ही नहीं, बस आपने सुना हाँ ये होता है ऐसा। तो वो जनमानस में जो है वो मीडिया, आम जन, जब तक हमारे इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं होगी
कि ये लेप्रोसी कुछ नहीं है, सिंपल जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जी जी, तब तक हम इसको हमको पूरी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलेगी। हमारे बीच में कई ऐसे भी कई बहुत से ऐसे बड़े बड़े फेमस लोग भी हैं, और उनको जो लेप्रोसी हुई उन्होंने है ना उससे अच्छे हुए वो, और बहुत काम किया। और वो बोलते हैं जब ऐसा क्या होता है कि एक इसका फैलने का कारण या इसका जो आगे बढ़ने का कारण ये भी रहा, स्टिग्मा मतलब भय कि यार हमको मेरे को लेप्रोसी है, अगर मैंने किसी को बता दी तो मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। हाँ, तो वो उस डर की वजह से वो व्यक्ति है ना सामने नहीं आ पाता उपचार लेने, और उस दौरान बढ़ जाती है। तो ये भय को, भय मिथ्या इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, और उसके लिए सरकार के साथ में चाहे एनजीओ हो, मीडिया हो या कोई आम आदमी हो, हमको ऐसे उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि भाई आज की इसमें बड़े बेबाक तरीके से राहुल जी ने, बहन जी ने, भाई साहब ने, अमित जी ने भी काफ़ी अच्छे ऐसे प्रश्न किए जिससे हमको एक रास्ता मिला है कि खरगोन जिले में हम इस अभियान को और गति प्रदान करें, और आने वाले समय में खरगोन जिला ही एक एग्जाम्पल बनने। और देखिए आप पुराने आंकड़ों की को देखें या पुराने सीनियरों को देखें तो उससे काफ़ी सीनियरों चेंज हो गया, चेंज हो गया है अभी। खैर अभी ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी पैनल को कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लेप्रसी के विरुद्ध अंतिम युद्ध, तो अंतिम युद्ध में अंतिम वार भी हमें करना है, लेकिन अंतिम वार कैसे करना है हम खुद तो कर नहीं सकते, हम सबको साथ में लेके कर सकते हैं, और हमारे सारे भाइयों को जो लेप्रसी से पीड़ित हैं उन्हें भी, जो ठीक हो गए उन्हें भी मुख्य धारा में अपने पास खींच के लाएं और उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ के अपने साथ साथ ही आगे ले जाएं। मैं तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि धन्यवाद आप सभी का जो आपने समय दिया, और समय निकालने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो आज मुझे पहली बार मालूम पड़ी, और मैं चाहता हूं कि ये केवल प्रोग्राम का अंत नहीं हो, ये एक शुभारंभ हो नई कड़ी का, नई सदी का, जिसमें हम अपने सारे भाइयों को साथ में लेके आगे बढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।